रावण का बीबी भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान, परंतु उससे ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण उसे घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? महाराज, सुना है कि रावण के कारनामों के कारण विभीषण ने अनुचित बताया, जिसके कारण के रावण ने क्रोध में विभीषण को घर से निकाल दिया। तो आप सबका क्या विचार है? क्या विभीषण वास्तव में सच्चा है? मैं आप सभी की सम्मति चाहता हूं। मेरे विचार से तो ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु का भाई है। रामन जी का कहना उचित है। हमें पहले ही इस विषय पर सोच लेना चाहिए। मेरा अपना मत है कि हनुमान जी की इस विषय में कुछ प्रकाश डाले। हाँ हनुमान जी, आपका ये इस विषय में आपका क्या विचार है? क्या विभीषण सच में विश्वास के योग्य है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, किंतु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि रावण के दरबार में अगर विभीषण जी ना होते तो मैं इस समय आपके समय सामने उपस्थित ना होता। ये तो मैं भी भली प्रकार जानता हूं। क्योंकि विभीषण रावण का सहोदर भाई है, लेकिन प्रत्येक दिन मनुष्य के अपने अपने विचार भी होते हैं। मेरे विचार से तो उनका मन पवित्र है, साथ ही शरण में आए व्यक्ति को शरण देना ही मेरा कर्तव्य है। इसलिए हनुमान जी, आप जाकर विभीषण जी को बुला ले आइए। यार जरा चुप हो जा यार, हम उनका स्वागत करेंगे। जो आके आप हमारे बच्चे बातें ना करें प्लीज। बोल श्याम राम चंद्र की, बीजति लक्ष्मण की, जगत जननी सीता माता की जय। चलने के लिए आ तैयार बैठे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम भगवान, आयुष्मान रहो। भगवत प्रणाम, आयुष्मान रहो। कहिए विभीषण जी, यहां आने का कष्ट कैसे किया? लंका में सब कुशल से तो है? भगवान, मेरी कुशलता तो आप समझ ही गए होंगे। आप तो अंतर्यामी हैं, लेकिन फिर भी आपके शरण में आया हूं। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया,
किंतु और मेरी एक न माना और अंत में मुझे कायर कुल कहकर इत्यादि कहकर लाठ मार कर निकाल दिया। भगवान अब आप ही मुझे शरण दीजिए। प्रिय सखा धैर्य धरो, जो मनुष्य चराचर का बैरी हो और यदि वह मेरी शरण में आए तो मैं उसे अवश्य शरण देता हूं। विभीषण जी, मैं जल को साक्षी मानकर कहता हूं कि लंका विजय होने पर तुम्हें लंकापति कहलाओगे। और मैं अभी इस पवित्र जल को लेकर आपका राज्य अभिषेक करता हूं। अब आप विश्राम कीजिए। भगवान आप धन्य हैं, आपकी लीला परम पार है। सुग्रीव जी, अब आप सभी का क्या विचार है? भगवान सारी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे विचार से युद्ध आरंभ करने से पूर्व हमें किसी योग्य दूत को रावण के पास भेजना चाहिए, क्योंकि राजनीति यही कहती है। युद्ध का नियम तो यही बताता है, तो रावण नियमों का पालन कभी नहीं करता है। वह बड़ा क्रोध स्वभाव का है। कुछ भी हो, हमको तो अपना कर्तव्य पालन करना होगा, इसलिए मैं वीर अंगद का नाम प्रस्तुत करता हूं। कहिए अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान सेवक सेवा के लिए तैयार है। तो आप अब शीघ्र ही लंका को प्रस्थान कीजिए तथा रावण को हर प्रकार से समझाने की कोशिश कीजिए, जिससे उसका और हमारा दोनों का भला हो। भगवान आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा भगवान प्रणाम।